अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज फरहान परवेज एंड दिस इज राहिल शहजाद। और आज की जो वीडियो है भाई, वो भी एक सब्सक्राइबर था, उसकी फरमाइश के ऊपर बनाई जा रही है। उसने बोला यार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को इंडिया के अंदर बड़ा मशहूर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी कोई वीडियो है। बोला यार, उसके केस स्टडी के और कोई रिएक्शन करो। तो उसकी एक वीडियो अभी मिली है उसकी, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। दुबई के बारे में उन्होंने कुछ बताया। अच्छा, अभी उसके अंदर देखेंगे हम क्या है उसके अंदर। लेकिन ये है कि इससे पहले कि मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर, लिंक जो होगी उसकी ओरिजिनल लिंक हम उसको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। उनको भी जाके सब्सक्राइब करें, साथ साथ हमारी वीडियोस को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और फिर हमें बताएं कि आप कौन सी वीडियो पे देखना चाहते हैं रिएक्शन। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं इसके। ओके, आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। आज की केस स्टडी दुबई के विषय में। ये दुबई के पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया पिछले 20 साल के अंदर? कैसे दुबई ये ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब, थर्ड मोस्ट ट्रैवल्ड सिटी इन द वर्ल्ड, दुबई कैसे इतना पावरफुल बना? कुछ नहीं था दुबई के पास 20 साल पहले तक। यहां पर केवल रेत ही रेत थी। दुबई के पास ना अपना खाना है, ना अपना पानी है, ना अपना कोई मिनरल है, ना अपना कोई गोल्ड है। तो दुबई के पास इतना पैसा आया कैसे? शुरू कर रहे हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से। ये दुबई के रूलर, यूएई के प्राइम मिनिस्टर, बड़े विजनरी लीडर हैं। आम जनता अपना वीकेंड प्लान करती है सैटरडे संडे, और ये 10 साल प्लान करते हैं। लोग सोचते हैं दुबई के पास पैसा तेल के कारण आया। सर, मैं आपको शेयर कर देता हूं, तेल का रेवेन्यू दुबई का केवल 1% है। दुबई के रेवेन्यू पूरी तरह शेयर कर दिया, इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को फाइनेंशियल हब बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। इनकी जो हिज रॉयल हाइनेस शेख है ना, उनको एक बीमारी हो गई है। और क्या बीमारी हो गई है? एलर्जी टू एवरेज। कम ऑन, क्या एलर्जी टू एवरेज? उनको कुछ भी एवरेज पसंद नहीं है। दुबई नेवर सेटल्स फॉर एनीथिंग लेस देन ओनली वन होंगे या द नंबर वन होंगे। ध्यान दीजिए, कम ऑन, या तो द ओनली वन या द नंबर वन। अगर मॉल भी बनाएंगे तो दुबई मॉल बना देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। अगर टावर खड़ा करेंगे, खड़ा कर देंगे सबसे ऊंचा टावर, सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई के अंदर। पाम आइलैंड मैन मेड आइलैंड है। देखिए, मैन मेड आइलैंड बना देंगे, अंडर वाटर टेनिस खेलने का अरेंजमेंट कर देंगे, सेवन स्टार होटल इन द वर्ल्ड बुर्ज अल अरब। एक आम आदमी उसमें घुस नहीं सकता बिना बुकिंग कराए। आप चप्पल पहन के होटल में घुस नहीं सकते। जो भी कुछ करना है इनको, नंबर वन या दी ओनली वन। दुबई के अंदर आपकी गाड़ी गंदी नहीं हो सकती। अगर आपकी गाड़ी गंदी है, 200 दिरहम का फाइन आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगा। आप गाड़ी दुबई में एक आम आदमी से नहीं दिलवा सकते। गाड़ी दिलवाने के स्पेशल स्टेशन है, वहीं पर आप गाड़ी दिलवाएंगे। ऐसा नहीं कि अपने हाथों से गाड़ी धोएं और उनकी जमीन को गंदा कर दें। रेगिस्तान में फूल उगा दिए, दुबई मिरेकल गार्डन, रेत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा, दुनिया का सबसे ऊंचा 5-स्टार होटल जेडब्ल्यू मेरियट बना दिया, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट गोल्ड सूक बना दिया। यहां तक रुके नहीं, ये गए डिज्नीलैंड के पास। बोले भाई, डिज्नीलैंड, एक डिज्नीलैंड दुबई में भी बना दे तू, है जी, लेकिन तेरे अमेरिका के डिज्नीलैंड से बड़ा होना चाहिए। डिज्नीलैंड ने मना कर दिया। बोला अमेरिका का डिज्नीलैंड सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये हमारा डिज्नीलैंड है, तो इससे बड़ा नहीं बना। वो शेख बोले, हिज हाइनेस, भाई देख, सबसे बड़ा चाहिए। जब डिज्नीलैंड दोबारा मना कर दिया, ये बोला, चिंता मत कर, मैं बना रहा हूं दुबई लैंड। ये डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा दुबई लैंड, जिसमें हर रोज 2 लाख लोग आएंगे। इतना ये जो है ना, रुकते नहीं है हिज हाइनेस शेख। ये खुद अपने आप में इतने विनम्र है, आम आदमी से जुड़े हुए महसूस करते हैं। एक से बढ़कर एक इनोवेशन लेड इनिशिएटिव लिए चले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 25% बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग से बनेगी दुबई में 2030 तक। 3D प्रिंटिंग समझते हैं? ऑलरेडी 40 मुझे पता है दुबई के अंदर 3D प्रिंटिंग से बन चुकी है। कम ऑन, दोबारा सुनिए, 3D प्रिंटिंग, प्रिंट आउट निकाल के बिल्डिंग खड़ी कर दी। कोई बंकर मॉडल को इतना इजी, इतना कन्वीनियंट कर दिया। समझ में नहीं आया? मैंने 3D प्रिंटिंग पे ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ उससे पहले। आप एक बात समझे, ये रुकने वाले नहीं है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस कर दिया है कि अब हम एक पैसेंजर ड्रोन बनाने वाले हैं। क्या? हाँ, पैसेंजर ड्रोन। क्या होता है ये? एक आम आदमी जिसका वजन 100 किलो के आसपास हो, उसको 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किलोमीटर की फ्लाइट, एक पैसेंजर ड्रोन, यानी कि ड्रोन में आप बैठो, आदमी को बिठा के ड्रोन लेके जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ऑलरेडी तैयारियां हो गई है, टेस्ट हो चुके हैं। हिज रॉयल हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, इनका मानना है कि ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू पार्टी, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू बिल्ड ग्रेट एम्पायर्स।
इन्होंने दुबई 10x लॉन्च कर दिया। ये दुबई 10x क्या है? ये चाहते हैं हर चीज 10 गुना हो जाए दुबई के अंदर। सरकार को ट्रेन कर रहे हैं अपनी कि हर चीज को 10 गुना बड़ा कैसे करें, 10 टाइम्स फास्टर, 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट एंड 10 टाइम्स बिगर। इनका मानना है ये दुबई कनाल प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, बड़े फ्री वाईफाई जोन लेके आ रहे हैं, दुबई कनाल प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को बदल देंगे, उसी के अंदर स्टिल्ट 200 बड़े घर भी बनाएंगे, मरीना बीचेस, कितनी चीजें ऐसे। देखिए इसी को बोलते हैं रिसोर्सेज नहीं होना, रिसोर्सफुलनेस होना। अबू धाबी क्यों ग्रो किया? उसके पास तेल है, मैं मान सकता हूं इसीलिए ग्रो कर गया तेल बेच करके, क्योंकि उसको अपना कुछ नहीं करना पड़ा, अपने जमीन से तेल निकाला बेच दिया। बाकी गल्फ कंट्रीज भी ऐसा कर रही है, तेल निकाल के बेच रही है। दुबई के पास कुछ भी नहीं था। ईज ऑफ कम्युनिकेशन को ये भली बात ही समझते हैं, क्योंकि विजनरी लीडरशिप है, दूर तक की सोचते हैं, तो इसीलिए वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड स्मार्ट सिटी बना दिया। एक दुबई में हाइपर लूप भी बना रहे कम्युनिकेशन और ट्रैवल के तरीके को। ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें आप आबू धाबी से दुबई तक 10,000 पैसेंजर 12 मिनट में ट्रैवल कर पाएंगे। दोबारा सुनिएगा, 10,000 पैसेंजर 12 मिनट में, क्योंकि इनका कमिटमेंट है 2025 तक 25% गाड़ियां पूरी तरह ड्राइवरलेस हो जाएंगी। ये 30-30 पैसेंजर की गाड़ी बना रहे हैं कि 30 पैसेंजर आए मोबाइल से, एप्लीकेशन से डाउनलोड कर ले और उसी एप्लीकेशन पे क्लिक करे, ड्राइवरलेस गाड़ी इनके पास पहुंचेगी, उसमें 30 पैसेंजर होंगे, इनकी भी सीट होगी, जाएंगे और डेस्टिनेशन भी डाल दे, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, और गाड़ी इनको वहां जाके छोड़ दे, कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं। ट्रांसपोर्टेशन को भी डिस्टर्ब कर दिया। इनको जो पुलिस की सर्विसेज भी बनाई, क्या है पुलिसिंग विदाउट पुलिस, ध्यान विदाउट पुलिस, ऐसा सिस्टम बना दिया, बना रहे हैं दुबई के अंदर एक के बाद एक के बाद एक, जहां पे पुलिस नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेट कर दिया, करप्शन का कोई जुगाड़ ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं। ऐसा नहीं पेड़ के पीछे छुटके पुलिस देख रही है, आने तो चलान काटेंगे, चलना भी बना ले, सिस्टम इन्होंने इतना ऑटोमेट कर दिया कि कहीं आप जाइए वहां पे पुलिस थाने में, वहां पे पुलिस वाला नहीं मिलेगा, आप अपने आप कोई भी क्रिमिनल फाइल रिकॉर्ड चेक कराना है वो आपको मिलेगा, आपको किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करना है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई लॉस्ट एंड फाउंड हुआ है, कुछ भी हो, आपको अपने आप उस मशीन से खुद ही सारा काम कर लेंगे, आपको पुलिस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पुलिसिंग विदाउट पुलिस का फायदा क्या हुआ? एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, मैन पावर की जरूरत नहीं, तो मैन पावर का खर्चा खत्म हो गया, और ज्यादा पुलिस वाले नहीं है, करप्शन के चांसेस भी अपने आप खत्म कर दिए, सब कुछ ऑटोमेट होता चला गया, और इनफैक्ट जो बचे कुचे पुलिस वाले हैं उनको इतनी बड़ी बड़ी सबसे सुंदर सबसे एक्सपेंसिव सुपर दुबई की पूरी दुनिया की सबसे अमीर पुलिस है। अच्छा देखिए दूर का रखते हैं ना कि आप ही समझिए, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये कच्ची मिट्टी के अंदर इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ा करना, ये विजन किसी के पास नहीं है दुनिया में। हमारे देश के अंदर जो कच्ची पुश्ते की मिट्टी होती है ना, जैसे यमुना के किनारे जो मिट्टी है, वहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कच्ची मिट्टी के अंदर पक्की कंस्ट्रक्शन टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, तो वहां तो सारी रेत है, दुबई में तो सारी की सारी मिट्टी कच्ची है, तो रेत के अंदर बड़ी बिल्डिंग खड़ी करोगे कैसे? भाई साहब ये दुनिया के सारे बेस्ट कंसल्टेंट्स को लाते हैं, इनको कोई भी चीज बढ़िया नहीं चाहिए, या तो नंबर वन या दी ओनली वन, दुनिया के बेस्ट कंसल्टेंट्स को बुलाया इन्होंने। अच्छा जो ईस्टर्न रेंज की पहाड़ियां थी ना दुबई की, वहां इन्होंने जाके देखा कहीं वी कार्व्ड, ऐसा वी शेप में कार्व्ड वैली बनी हुई थी पहाड़ियों के बीच में, तो शेख साहब ने पूछा एक बात बताओ कि पहाड़ी अपने आप वी कैसे बन जाएगी, ये वैली कैसे बनी है? ये वैली इसीलिए बनी है कि जरूर यहां कभी ना कभी पानी बहा होगा, क्योंकि पानी ही पहाड़ को काट करके एक वैली कन्वर्ट करती है। ये वो कच्ची रेत के अंदर बिल्डिंग जो खड़ी करी है ना, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, ये जो उन्होंने 40 से ज्यादा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, जो 50 माले से ऊंची की बिल्डिंग खड़ी करी है, ये भाई साहब पानी बहुत पीती है बिल्डिंग्स। आप ये समझिए 2,00,000 गैलन लीटर पानी हर रोज बुर्ज खलीफा को चाहिए। आप किसी भी इतने 5-star होटल वहां बन चुके हैं, कितना पानी लगता है? ये रेत के अंदर सूखी रेत में दुनिया के सबसे सूखे बंजर स्थान पे इतना पानी आता कहां से है? इसे बोलते हैं विजन। समंदर ने क्या किया, वहां जाके पता लगाया कि वो जो वी शेप कार्व्ड वैलीज हैं उसमें आज से 2 मिलियन साल पहले, यानी कि लगभग 20,00,000 साल पहले वहां पानी बहा करता था। इन्होंने वहां खुदाई करवाई और पता लगाया कि कई किलोमीटर नीचे आज भी वहां पानी रेत के नीचे दबा हुआ है। इन्होंने वाटर मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा बिल्ड किया कि वहां से वाटर एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया।
और वो वाटर एक्सट्रैक्ट करके दुनिया की सबसे सूखी जमीन के ऊपर दुनिया के सबसे सुंदर स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग खड़े कर दी। ये जो बिल्डिंग है ना, ये पानी की प्यासी होती है बिल्डिंग। यूएई के सातों एमिरेट्स के अंदर दुबई सबसे लीस्ट कंजर्वेटिव है। लीस्ट कंजर्वेटिव मतलब बड़े खुले दिल का है। 200 देशों की नेशनैलिटी दुबई के अंदर रहती है। दुबई के जो अपने शेख हैं, जो इनके एमिराती हैं, जो इनके अपने लोकल हैं, वो तो केवल 10% भी नहीं होंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो काम करने के लिए दुनिया भर के लोग बुलाते हैं। मैक्सिमम 65% जनता यहाँ पे इंडिया से है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से और फिलिपिनो से है। तो ये जानते हैं, ये तो देश की इकोनॉमी है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेशी, इन लोगों को बुरा लगेगा आपको, मुझे पता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए पहले ही माफी मांग लेता हूँ। लेकिन लेबर के काम के लिए इन लोगों को बुलाते हैं। 50 डिग्री टेम्परेचर को सहने वाली लेबर, ये हमारे मजदूर और आपकी मजदूरी, 50 डिग्री उनको मोटिवेट करके उनसे काम कराते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये बड़े दूर के सोचने वाले शेख है, ये कहते हैं हम कुछ नहीं करते, हम तो खाली सोचते हैं, हम खाली थॉट लीडर्स हैं। हमारे हमारे जो थॉटफुलनेस इन्होंने बिल्ड करी है, इससे दुनिया के लोगों को बुला के वहां उनसे काम कराते हैं और बैठ करके देखते हैं, दूर तक सोचते हैं। इसे बोलते हैं विजनरी लीडर। दुनिया की किसी भी चीज की बात कर लो, या तो वो दुबई के पास है या दुबई बना रहा है। कंस्ट्रक्शन तो यहां इतनी तेज हो रहा है कि दुनिया भर की 1/4 जेसीबी क्रेन्स आज दुबई में काम कर रही है, यानी कि 1/4 ऑफ द क्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन दुबई। इतना छोटा सा दुबई, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से एक्सपांड कर रहा है। 25% खलीफा बुर्ज अल अरब तैयार किया, 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड है बुर्ज खलीफा के नाम पे। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, ये भी बुर्ज खलीफा में है। दुनिया के सबसे ऊपर लिफ्ट, वो भी बुर्ज खलीफा में जाती है। दुनिया का सबसे ऊपर फायरवर्क्स, दिवाली के पटाखे, न्यू ईयर के पटाखे, वो भी बुर्ज खलीफा में होते हैं। आप कोई भी रिकॉर्ड ले लो, दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लोर, दुनिया में सबसे ऊंचा रेजिडेंस प्लेस, दुनिया में सबसे ऊपर हाइट पे नाइट क्लब, ये सारे तो बुर्ज खलीफा में ही है। शेख जानते हैं दुनिया भर का टैलेंट और दुनिया भर का ट्रैफिक मैं अपने पास कैसे लेकर के आऊं। टैलेंट लाने के लिए इन्होंने टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दी। वहां पे व्हाइट ब्लैक है और ब्लैक व्हाइट है, क्यों? वहां पे कोई टैक्स ही नहीं है। आप जितना पैसा कमाते हो पूरा आपका, वहां सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लेती। वही मैं सोचता था, ये लोग कहां से कहां से हैं जब ये टैक्स भी नहीं लेते। मतलब आप समझिए बात को, कि इतनी दूर की सोचते हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोल सिटी भी बना रहे हैं। क्या होती है टेम्परेचर कंट्रोल सिटी? छोटी सी कंट्री है मोनाको, उसके लगभग 3 गुना बड़ा टेम्परेचर मॉल बना रहे हैं। एक दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा मॉल, जो दुबई मॉल से भी कई गुना बड़ा मॉल होगा, और उतना बड़ा मॉल होगा उसमें कई सैकड़ों होटल्स होंगे, उसमें सड़कें होंगी, उसमें ट्रैफिक लाइट्स होंगे, और पूरी तरह एयर कंडीशन होगा। यानी कि एयर कंडीशन सड़कें, यानी कि एयर कंडीशन शहर, इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल सिटी। ये जो है ना आदमी, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि ये सोचता कैसे है। इस शेख के बारे में सोचता हूँ, यार ये कितना दूर का सोच लेते हैं। ये मतलब ये बस सोच लेते हैं और उसके बाद कर भी देते हैं उसको। मतलब आप कोई भी डिफिकल्टी दे दो, उसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ये डिफिकल्टी स्कैनर नहीं है, ये पॉसिबिलिटी स्कैनर है। जमीन की कमी थी तो कहां एक्सपांड करें दुबई को, तो समुद्र के अंदर टापू बनाने शुरू कर दिए, मैनमेड आइलैंड। आज तक नेचर आइलैंड देता था, इन्होंने मैनमेड आइलैंड बना दिए। बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ के ड्रेजर्स के माध्यम से सैटेलाइट से लेकर के पाम जुमेरा बनाया। वो सैटेलाइट के ऊपर देखते थे कि जुमेरा ऐसा 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 करके ट्रंक के साथ एक ऐसा पेड़ बना दूं, पेड़ की शेप में पाम जुमेरा बना दूं, जहां पे मैं बड़े बड़े महंगे मकान बेचूंगा, जो बीच फ्रंट, बीच फेसिंग लग्जरी विलाज होंगे। अब देखिए एक बात समझिए, किसी को टापू बनाना तो वो गोल्ड टापू बना के काम खत्म कर देगा। भाई गोल्ड टापू बन गया मेरा। इन्होंने क्या टापू को गोल्ड नहीं बनाया, मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। इन्होंने सोचा गोल्ड टापू बनाऊंगा तो कोने कोने पे बीच फ्रंट मकान बड़े लिमिटेड बनेंगे यार। तो कुछ ऐसा करें कि इतनी सी जमीन के अंदर ज्यादा मकान मैं कैसे बेचूं। एक मकान ये बेचते 350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। देखिए कैसे निकालते हैं, पैसा कमाने के तरीके देखिए। जब जेब में कुछ नहीं होना, जब कमी हो रही और देख रहे हैं बाकी सारी जीसीसी कंट्री तेल बेच के नोट छाप रही है, मैं कैसे छापूं, तो इन्होंने क्या किया, उसमें ऐसा 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 लीव बना दी जिसमें हर कोने पे लीव की पाम जुमेरा, हर कोने पे इस तरफ फेसिंग, फिर इस तरफ फेसिंग, इस तरफ फेसिंग, इस तरफ फेसिंग, इस तरफ फेसिंग। एक गोल बनाते तो थोड़े मकान बनते, अब इन्होंने पाम बना दिया तो मकानों की क्वांटिटी 5 गुना बढ़ गई। अच्छा क्या है ना, कमिटमेंट टू ट्रेड इज देयर बिगर रीजन टू सक्सेस। बात समझिए, कमिटमेंट टू ट्रेड, ये ट्रेड को बिल्ड करने के में इतने कमिटेड है। दुबई वॉज नॉट फाउंड ऑन ऑयल, इट वॉज फाउंड ऑन ट्रेड। ये तेल के कारण नहीं चला।
देखिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए, फ्री बिजनेस लोन बना दिए, ये जो टैक्स फ्री इकोनॉमी बनाई ना इन्होंने, ईज कर दिया बिजनेस को यहाँ पे कन्वर्ट कर। देखिए थर्ड लार्जेस्ट री एक्सपोर्ट की इकोनॉमी है, किसी को भी दोबारा माल बेचना है तो पहले दुबई से पहुंचा करके फिर दुनिया में पहुंचाता है। दुनिया के हर बड़े देश से 5 घंटे की इनकी फ्लाइट है और इनकी एयरलाइंस की सर्विस बहुत जबरदस्त है। ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे इनकी ट्रेड बढ़ता हो। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एक्सपो ये इस बार 2020 में दुबई में लेके आ रहे हैं, 2.75 लाख नौकरियां भी बढ़ेंगी उससे। ये वर्ल्ड एक्सपो के अंदर पूरी दुनिया का कुछ भी होगा वो सब दुबई में मिलेगा। एक्चुअली क्या है, ये कई प्रकार से ग्रो करते हैं, उनमें से एक और तरीका जिससे कमाते हैं वो है फाइन्स। इतने फाइन लगा दिए दुबई के अंदर कि ये फाइन के कारण जनता एकदम सीधी रहती है। ओ भैया यहां कोई गलती नहीं करना, किसी लड़की पे हाथ लगा दिया तो आपका वो हाल होगा, आप सोच नहीं सकते। अगर आपने कोई रेड लाइट जंप कर दी तो फाइन के लिए कोई आपको रोकेगा नहीं, आपके अकाउंट से 200 दिरहम अपने आप कटते चले जाएंगे। आपने मतलब गाड़ी गंदी के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपके यहाँ चेक बाउंस हो गया सीधा जेल होगी। यहां पे तो मतलब आप कुछ भी गलती करो, अगर सड़क पे आपने किस कर दिया, स्मूच कर दिया, किसी लड़की को गले लगा लिया तो आपको सीधा जेल हो जाएगी, बड़े फाइन कटेंगे। या फाइन लगा लगा के इतने डिसिप्लिन बिल्ड कर दिया वहां दुबई के अंदर, कोई क्राइम नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई गलती नहीं। ये विजनरी लीडरशिप अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, इस विजनरी लीडरशिप पे अगर आप फोकस करते हैं, तो ऐसी लीडरशिप के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया था लीडरशिप फनल। मैं इन्हीं तरह की केस स्टडीज लगातार बताता हूं। देखिए यही वो समय है जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने लर्निंग पे फोकस नहीं किया और इस प्रकार की केस स्टडीज पे समय नहीं लगाया तो ग्रोथ कैसे लेकर के आओगे? उन्हीं लोगों के बीच में रहोगे। हैव द जीनियस अराउंड यू टू अट्रैक्ट द जीनियस विद इन यू। आस पास आपके जीनियस लोग बैठते हैं जब लीडरशिप फनल में और ब्रेन स्टॉर्म करते हैं उन केस स्टडीज पे, रोल प्ले पे, वो एक्टिविटीज, वो क्वेश्चनर्स, वो प्रीटेस्ट, वो पोस्टेज, वो केस, वो असाइनमेंट, वो फ्रेमवर्क, वो स्ट्रेटेजी शीट। ये लीडरशिप फनल इतना प्रैक्टिकल कर दिया हमने प्रोग्राम का। ऐसी देखिए, अगर आप लीडरशिप फनल में नहीं आते तो फ्री वीडियो तो आपको मैं देता रहूंगा, लेकिन अगर आप लीडरशिप फनल में आने की थोड़ी भी कोशिश कर सकते हैं तो मैंने आपके लिए EMI स्कीम भी शुरू कर दी है। यही वो गोल्डलाइन नंबर है जिस पे आप फोन करें और पता लगाएं। अगर आपके पास पैसा है तो डायरेक्ट बुक करें, नहीं है तो NBFC मेरे साथ बैंक जुड़ चुके हैं, वो आपको EMI देंगे। फोन लगा के पता लगाइए कि कैसे लीडरशिप फनल आप को भी वो विजन दे सकता है जिससे कुछ नहीं होते हुए भी आप सब कुछ खड़ा कर दे जैसे दुबई ने खड़ा किया। क्या आप चाहते हैं इस प्रकार की और केस स्टडी दूं किसी भी देश में, कमेंट बॉक्स में देश का नाम लिखिए और मैं आपके लिए केस स्टडी बनाऊंगा। लाइक जरूर करिए, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो किसी के बहुत ही कोई क्लासिक वीडियो दिया यार, क्या नाम है इस बंदे का? विवेक बिंद्रा। नो डाउट यार, इसकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी कितनी जबरदस्त है ना, फुल एनर्जेटिक बंदा है, सांस रोके बगैर बंदे। इंडिया का मैं एक और मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ, संदीप नाम है उसका, वो तो बहुत मशहूर है, संदीप नाम है, संदीप आचार्य, पूरा नाम मुझे नहीं प्रोनाउंस करना आता उसका, बहुत जबरदस्त है, उसको मैं बहुत सुनता हूँ और काफी टाइम से उसको सुनता आ रहा हूँ। इसको मैंने अभी मैंने इसको सुना है, वो भी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, यार इसको आप देखें ये बड़ा जबरदस्त है और इसके बहुत सारे केस स्टडी होते हैं जो क्या कहते हैं, ये अच्छे अपने अंदाज में जो बताता है ना तो वो जबरदस्ती बिठा देता है दिमाग में। बहुत बेहतरीन तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है यार, यानी हमको, हम जानते हैं दुबई को, दुबई पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अरसे से है हमारी फ्रेंडशिप, लेकिन ये इस एंगल से हमने दुबई को कभी नहीं देखा। जिस एंगल से, जिस तरीके से हमें पता है ना कि दुबई ने प्रोग्रेस करी है, दुबई हमारे अपने घर वाले बताते हैं, जो 8-10 साल वहां होकर आए, रहकर आए, काम कर भी आए, बहुत सारे लोग हमारे जान पहचान में, वो बताते हैं दुबई एक मिनट में, मतलब एक टाइम में दुबई कैसा था और एक टाइम में अब कैसा हो गया। अच्छा, हमें यही पता था कि ऑयल पे, हमें यही बताया जाता था कि दुबई के पास तो ऑयल है, ये है वो है, लेकिन इसने सही रियलिटी बताई, इसने फैक्ट्स बताए इसने कि दुबई के पास सिर्फ 1% का रेशो है जो कि ऑयल पे, ऑयल से डिपेंड करता है, बाकी 99% ये डिपेंड करते हैं टूरिज्म और ये अपनी बिजनेसेस वगैरह और फ्री टैक्स फ्री जोन और बाकी। यार अगर देखा जाए तो इसका विजन जो इसने बताया इस बंदे ने, क्या कहते हैं कि उसमें दुबई के अंदर किस तरीके से आगे का सोचा हुआ है भाई, टेम्परेचर कंट्रोल सिटी यार। हाँ, मैं तो हैरान हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल सिटी यार, यानी इतना बड़ा शहर ये वो पूरा कवर्ड होगा और वहाँ वो मतलब हमारे पॉलिटिशियंस यहाँ तक कब पहुंचेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। आई होप कि हमारा भी ऐसे दिन आए यार। मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हुआ ये वीडियो देख के, क्योंकि
दुबई को पूरी दुनिया जानती है लेकिन कभी ये चीजें नहीं जानती दुबई के बारे में जो इसने बताई है ना। ये इसने वो बात बड़ी जबरदस्त बोली थी वो कि हम सॉरी टू से कि हमारे जो हैं इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं और बांग्लादेश एज अ लेबर उसको समझा जाता है उनको बस थोड़ी सी अप्रिसिएशन दे देते हैं उनको वैसे कि 50 डिग्री से बस 50 डिग्री पे कोई काम नहीं कर सकता वहां पे। और मैंने लोगों को मैंने सुना है उनके मुंह से आते थे काम करके तो बताते थे कि यार वहां इतनी गर्मी होती है कि नहीं कर सकता हर कोई काम। और वहां वो सिर्फ यही बात है कि ये पाकिस्तानी बांग्लादेशी और ये इंडियंस हम लोग ही मिलकर वहां पे ये सारा काम गर्मी में कर सकते हैं बाकी गोरे तो नहीं है भाई गोरों के बस का नाम। यार वीडियो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी नो डाउट हमें बहुत पसंद आई। ये जो नीचे जो वीडियोस आ रही हैं इन वीडियोस को भी जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स का शेयर करें और जिन वीडियोस पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं तो हम इंशाल्लाह उस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।